जय श्री जय राम। श्री राम, जय श्री राम। आप लोग भी अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। जय श्री राम मैम, जय जय श्री राम, राम मैम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, आज का दिन शुरू करते हैं कुछ अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ। चेक कर लीजिए आपकी कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिव है। उसी नॉस्ट्रल से आपने पेन और पेपर उठाना है और फर्स्ट अल्फाबेट उसी हैंड से लिखना है जो नॉस्ट्रल आपका एक्टिव है। लिखिए, आई एम ब्रेव एंड करेजियस। आई एम ब्रेव एंड करेजियस। नेक्स्ट लिखिए, आई एम फियरलेस। आई एम फियरलेस। माई विल पावर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आई एम द पावर ऑफ एनर्जी एंड प्राण ऊर्जा। एक बार वापस ये जितने भी अफर्मेशंस लिखवाए हैं इनको रीड कर लीजिए, तीन तीन बार रीड कर लीजिए इसे फटाफट। टिप ऑफ द डे, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो ब्रह्मांड में प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स जो हैं, ग्रह जो हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, हम सभी जानते हैं, राइट? 9 में से 7 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें एक-एक दिन प्रोवाइड किया गया है, एक्सेप्ट राहु केतु, क्योंकि राहु केतु की खुद की राशि नहीं होती है तो उनको कोई भी दिन नहीं प्रोवाइड किया गया है। हर प्लैनेट के पास देने के लिए हमारे कुछ ना कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा को देने के लिए चंद्रमा के पास क्या है? शांति है। चंद्रमा आपको मन की शांति दे सकता है, आपको एक कामनेस दे सकता है। मंगल के पास देने के लिए क्या है? करेज है। मंगल के पास देने के लिए करेज है, पावर है, एनर्जी है, राइट? अब मरकरी के पास देने के लिए क्या है? मरकरी के पास देने के लिए टैलेंट है, मरकरी के पास देने के लिए कम्युनिकेशन है, स्पीच है, व्यापार है। अब बात करते हैं थर्सडे यानी कि बृहस्पति की। बृहस्पति के पास क्या है? ज्ञान है, विजडम है। नेक्स्ट प्लैनेट आता है हमारा वीनस। वीनस के पास देने के लिए क्या है? लग्जरी है, मनी है। सैटर्न के पास देने के लिए क्या है? कर्म है। कर्म में एक जो होती है ना कि शिद्दत, ईमानदारी, डिसिप्लिन, वो हमें शनि देता है। एंड उसके बाद जो आते हैं हमारे सूर्य। सूर्य के पास क्या है देने के लिए? नेम, फेम, सक्सेस, एप्रिसिएशन। तो जब आप अपना दिन शुरू करते हैं तो आप देखिए कि आज कौन से ग्रह का दिन है। जैसे कि आज है मंगल, तो मंगल यानी कि ट्यूसडे, तो जो मंगल है उसके पास देने के लिए क्या है? करेज है, पावर है, एनर्जी है। तो जब हम उस प्लैनेट से उसके पास जो है वो मांगकर शुरू करते हैं तो वो चीज बहुत जल्दी मैनिफेस्ट
होती है। जितने भी लोग कहीं ना कहीं काम से स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब से स्ट्रगल कर रहे हैं, एवरी सैटरडे अगर वो उठकर ये अफर्म करते हैं आई एम हैविंग अ वेरी गुड जॉब, और फ्राइडे के दिन वो ये अफर्म करते हैं आई एम गेटिंग सो एंड सो अमाउंट ईयरली या मंथली, तो फ्राइडे के पास देने के लिए मनी है, सैटरडे के पास देने के लिए काम है, एंड थर्सडे जो है उसके पास देने के लिए प्रोस्पैरिटी है। तो फ्राइडे ने जो आपको मनी दिया है, जो थर्सडे है उसी को मल्टीप्लाई भी करेगा और उसी से प्रोस्पैरिटी भी देगा, राइट? अब मदर के पास देने के लिए क्या होता है? नर्चरिंग। मदर आपकी केयर कर सकती है, नर्चरिंग कर सकती है, क्योंकि मदर की वो ऊर्जा है ना? तो हम क्या करते हैं कि किसी से कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं और हमें वो नहीं मिलता है, राइट? कुमुजी, मेरी साइड से तो वॉइस प्रॉपर है, प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए, वॉइस प्रॉपर है ना मेरी? हाँ, आप अपना एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। नेक्स्ट, जिन भी लोगों को लगता है कि हमें डिप्रेशन है, मूड बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं, तो जितने भी लोगों को मूड स्विंग होते हैं या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, स्पेशली ट्यूसडे वाले दिन एनर्जी मांगिए, क्योंकि डिप्रेशन वालों के साथ क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है? इसीलिए हर प्लेनेट के पास देने के लिए कुछ ना कुछ है, और जब हम उनसे वो पॉजिटिव चीजें मांगते हैं तो वो हमें डेफिनेटली मिलती हैं। तो आज से आपकी जो डेली रूटीन है उसमें एक और चीज ऐड ऑन हुई कि जब आप डेली उठ रहे हैं तो आप उस प्लैनेट से वो मांगिए जो आपको चाहिए और उसके पास देने के लिए जो है। अफर्मेशंस तो आप मॉर्निंग में यूज कर ही रहे हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि जो भी नॉस्ट्रल एक्टिव है उससे आपने चेक करना है और उससे फर्स्ट अल्फाबेट लिखना है। मून के पास देने के लिए अनुपमा जी, एक कामनेस है, पीस है, हार्मनी है, एक जो शांति सुकून होता है ना वो मून दे सकता है। जिस मून क्या है, चंद्रमा है, माँ के पास जाकर हमें कैसा फील होता है, ठंडक, जो ठंडक का एहसास हमें होता है। जिन लोगों की पित्त प्रकृति है वो चंद्रमा से एनर्जी लीजिए ताकि उनका जो पित्त है वो शांत हो जाए, तो मून के पास देने के लिए वो है। और जिन लोगों की हेल्थ में डिस्टरबेंस रहता है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनका विटामिन डी लो रहता है, एवरी संडे उठकर सबसे पहले अफर्मेशन बोलिए कि आप मेरे विटामिन डी को सफिशिएंट भर रहे हैं, माय विटामिन डी इज प्रॉपर, माय विटामिन डी इज एक्यूरेट, आई एम इंक्रीजिंग माय विटामिन डी विद द एनर्जी ऑफ सन। ऐसे आप संडे के दिन एनर्जी यूज कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं माई इम्यूनिटी इज इम्प्रूविंग, संडे के पास देने के लिए इम्यूनिटी है, विटामिन डी है, ठीक है? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज के मेडिटेशन में आप सभी ने जो ब्रीदिंग टेक्निक करनी है, दैट इज ओशियन ब्रीदिंग टेक्निक, मैं बोलूंगी करने के लिए, आपको नाक से श्वास लेना है, मुंह से छोड़ना है, नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है, और जब मुंह से छोड़ेंगे ऐसे इमेजिन करना है सारी नेगेटिविटी मुंह से बाहर जा रही है। जब मैं आपको पेपर पे कुछ लिखने के लिए बोलूंगी तो आंख बंद करके ही आपने लिखना है। जो नमक का पानी है उसे अपने सामने रख लीजिएगा, तो जब मैं बोलूंगी कि उसको निकाल के वहां डाल दीजिए तो आपने उसके अंदर डाल देना है। जिन्होंने नमक का पानी नहीं लिया है वो भी ले आएंगे, एंड वी विल स्टार्ट आवर सेशन। 2 मिनट का टाइम देती हूँ।
टन शेल वी स्टार्ट? सब रेडी हैं? ठीक है चलिए. अपनी आंखों को बंद करेंगे. क्लोज योर आईज. कंफर्टेबली बैठेंगे एकदम. क्लोज योर आईज एंड कंफर्टेबली बैठकर अपने बॉडी के एक-एक पार्ट को एकदम रिलैक्स करेंगे. रिलैक्स योर लेग्स, रिलैक्स योर नीज, रिलैक्स योर हैंड्स, रिलैक्स योर थ्रोट, रिलैक्स योर आईज. दिमाग में जो भी थॉट आ रहे हैं, कोशिश करेंगे सारे थॉट्स बंद हो जाएं. आपका ध्यान और सिर्फ श्वासों की आवन जावन पर होना चाहिए. अपनी श्वासों की आवन जावन पर ध्यान देंगे. समय आप श्वास ले रहे हैं, कल्पना करेंगे ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिविटी आपके शरीर में प्रवाह हो रही है. और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो कल्पना करेंगे आपके मन की, तन की सारी नेगेटिविटी आप बाहर निकाल रहे हैं. किस प्रकार से आपकी ब्रीदिंग कितनी देर में हो रही है, कौन सा नोस्ट्रिल आपका एक्टिव है, राइट या लेफ्ट, या दोनों नोस्ट्रिल से आप अपनी सांसों की गति को देख सकते हैं. जिस तरीके से हम कहीं से कचरा उठाते हैं या गंदगी उठाते हैं या खरोचते हैं, या जैसे हमें खुजली होती है तो हम खुजाते हैं, वैसे ही आपके शरीर में जहां पे भी दर्द है, आपके शरीर में जहां पे भी कष्ट है, अगर आपको सर में दर्द है तो अपने सर के पास से जिस तरीके से आप खुजाते हैं, वैसे ही सारी काली काली नेगेटिविटी को खरोचेंगे. अगर पेट में दर्द है तो पेट से सारी काली काली नेगेटिविटी को अपने नखूनों के माध्यम से खरोचेंगे. हाथों में दर्द है तो हाथ से खरोचेंगे. पैरों में दर्द है तो पैरों से खरोचेंगे. शरीर के जिस भी अंग में आपको तकलीफ है, वहां पर आपको अपने हाथों के माध्यम से सारी नेगेटिविटी को खरोचना है. खरोचेंगे, इस तरीके से खरोचेंगे कि वो सारी नेगेटिविटी आपके हाथों में आ रही है और आप उसे, वो जो बॉल है आपका, नमक वाला पानी है, उसमें डाल रहे हैं.
अगर आपका मन शांत नहीं रहता है तो अपने हार्ट के पास से सारी नेगेटिविटी इकट्ठा करेंगे और उस बॉल में डाल देंगे। अगर आपका दिमाग शांत नहीं रहता है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारा डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज या एंजाइटी है, तो सारा अपने दिमाग से खरोचेंगे और सब कुछ उस बॉल में डाल देंगे। पूरा अच्छे से कल्पना करेंगे, सारी नेगेटिविटी मैं खरोच कर उस बॉल में डाल रही हूं। अगर आपके कमर में दर्द रहता है तो पीछे से खरोचने की कोशिश करेंगे और उसको पानी में डाल देंगे। शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट में आपको पेन होता है, सब जगह से नेगेटिविटी निकाल निकाल कर सब उस पानी में डाल देंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। आपको बॉडी में कहीं भी हैवीनेस अगर लगती है या हैवीनेस लग रही है तो भी वहां से नेगेटिविटी खरोचेंगे और उस नेगेटिविटी को खरोच कर पानी के बोल में डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि वहां वो जो एरिया था जहां पे दर्द था, तकलीफ था, बहुत हल्का लग रहा है तो उस मोमेंट पे रुक जाएंगे, लेकिन अगर अभी भी हल्का नहीं लग रहा है तो और नेगेटिविटी को इकट्ठा करके सब उस पानी में डाल देंगे। दिल में किसी के प्रति द्वेष है, किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, दिल में किसी को लेकर बहुत नेगेटिविटी है, किसी ने आपका दिल बहुत दुखाया है, सब दिल से निकाल देंगे। सब निकाल के इकट्ठा करके पानी में डाल देंगे। आज हम अपना मन भी हल्का करेंगे और तन भी हल्का करेंगे, उस सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल कर। किसी के शब्द अगर आपके जहन में आज भी लगे हुए हैं और आपको लगता है कि आप उन शब्दों को भूल नहीं पा रही हैं, पास्ट में, बचपन में, उन शब्दों को निकाल कर उस पानी के बोल में डाल देंगे। अगर उन शब्दों को निकालते समय रोना आए तो रो लीजिए, लेकिन आज हम उन सारी चीजों को निकाल के बाहर फेंक देंगे। आपकी ब्यूटी को लेकर, आपके स्ट्रक्चर को लेकर, आपकी एजुकेशन को लेकर, आपकी किसी भी चीज को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, अगर आपको कुछ अपशब्द कहे गए हैं, उन शब्दों को खरोच खरोच कर सब बाहर निकाल देंगे, रिलीज करेंगे। यू विल फील वेरी लाइट। टेक इट आउट। जो शब्द आप भूल नहीं पा रहे हैं उसे बाहर निकाल कर उन सारे शब्दों को उस जल में डाल देंगे। जब आपको लगे कि मैंने सारे शब्द निकाल दिए हैं, सारी नेगेटिविटी निकाल दी है, अब हम ओशियन ब्रीदिंग करेंगे। कैसे करनी है? धीरे धीरे श्वास नाक से लेंगे, धीरे धीरे और मुंह से बाहर छोड़ेंगे। श्वास नाक से लेंगे और मुंह से बाहर छोड़ेंगे। जब मुंह से बाहर छोड़ेंगे तो कल्पना करेंगे आप अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हैं। श्वास अंदर नोस्ट्रिल से लेंगे और मुंह से बाहर। आवाज आनी चाहिए। श्वास अंदर
से लेंगे और मुंह से बाहर करेंगे। अगेन मुंह से श्वास लेंगे, रिलीज करेंगे। नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, मुंह से रिलीज करेंगे। अगेन नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, मुंह से रिलीज करेंगे। जो लोग ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, प्लीज डू इट, दिस विल हेल्प यू अलॉट। अगेन नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे और रिलीज कर देंगे। नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, वापस मुंह से रिलीज कर देंगे। नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, रिलीज कर देंगे। लास्ट टाइम, वन मोर टाइम, अच्छे से श्वास लेंगे और पूरी नेगेटिविटी बाहर कर देंगे। अब एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। फोकस ऑन योर मिडल ऑफ द आईब्रो सेंटर, अपने थर्ड आई चक्रा पर, या जहां पर थर्ड आई होती है, अपना पूरा ध्यान वहां केंद्रित करेंगे। अपने मन को एकदम शांत करेंगे, एकदम शांत शांत शांत। अब अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण पल को याद करेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा था, बहुत इम्पोर्टेंट था। उस पल में आप बहुत खुश थी। अपने जीवन का कोई भी एक ऐसा पल जो आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था, जो आप कभी भी नहीं भूल सकती, और आप सबसे ज्यादा खुश थी। अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रॉफी मिलते हुए, कोई पार्टी में गए थे आप, कोई फैमिली फंक्शन में गए थे आप, या किसी चीज में आपको अवार्ड मिला था। अपने उस बेस्ट मोमेंट को याद करेंगे। आपने पढ़ाई में बेस्ट दिया था, राइटिंग में बेस्ट दिया था, स्पोर्ट्स में बेस्ट दिया था, बिजनेस में बेस्ट दिया था, जॉब में बेस्ट दिया था, टीचिंग में बेस्ट दिया था, या फिर एज अ मदर बेस्ट दिया था। उस अद्भुत पल को याद करेंगे। वो मुस्कान आपके फेस पर आनी चाहिए। उस मोमेंट को याद कर वो एक स्माइल आपके फेस पे आनी चाहिए। आप उसे फील कर पा रहे हैं। उस मोमेंट को आप वापस अपने थर्ड आई पे देख पा रहे हैं। अपने अंदर खुद की वही एनर्जी वापस तलाशने की कोशिश करेंगे। आज हम कहीं ना कहीं अपनी उस ऊर्जा को भूल चुके हैं जो हम थे या जो हमने अचीव किया था। अपनी उसी एनर्जी को, अपने उसी एंथुसियास्म को वापस ढूंढेंगे। वापस अपनी एनर्जी को हाई करेंगे। आप आज भी वही हैं, आप आज भी वही लोपा हैं, आप आज भी वही पूजा हैं, आप आज भी वही अनामिका हैं, आप आज भी वही रक्षिता हैं, आप आज भी वही दिव्या हैं, आज आप भी वही जिशा हैं। क्या चीज है जो आपको रोक रही है? क्या चीज है जो आपको हर्डल क्रिएट कर रही है?
उस वापस एनर्जी को लाने के लिए। जो चीज आपको रोक रही है, आपका हेल्थ, आपका गुस्सा, आपकी एंग्जाइटी, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपके रिलेशंस, कोई भी जो चीज आपकी उस एनर्जी को ब्रेक कर रही है, उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जितने गुस्से से लिखना चाहते हैं, गाड़ के लिखना चाहते हैं, बड़ा बड़ा लिखना चाहते हैं, लिखिए, राइट इट डाउन। क्या चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपका एंगर, आपकी एंजाइटी, क्या चीज है जो आपको रोक रही है? लिखेंगे उसे। लिखने के बाद उसे काट देंगे। जैसे क्रॉस मार्क करते हैं, वैसे क्रॉस मार्क करेंगे। मुझे ये चीज नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। आई वॉन्ट माई एनर्जी बैक। दो तीन चीजें हैं, दो तीन चीजें लिखिए और उसे काटिए। नहीं चाहिए बाबा मुझे। अब अपने जीवन का वो पल लिखेंगे जो आप अपनी लाइफ से मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। कोई एक ऐसी चीज जो आप आज तक गिल्ट में हैं, आप आज तक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं और आप चाहते हैं वो चीज हमारी लाइफ से चली जाए, या वो जो मोमेंट या इंसिडेंस हुआ था वो मेरी लाइफ से चला जाए। 5 मिनट लेंगे और जो चीज आप अपनी लाइफ से डिलीट कर देना चाहते हैं उसको लिखकर काटेंगे। उस पे सारा अपना डिलीट करने के लिए जो भी एफर्ट्स डाल सकते हैं, राइट इट डाउन एंड क्रॉस इट। आंखें बंद करते हुए आपके जीवन का वो सबसे बुरा वक्त जो आप आज भी अगर सपने में देखते हैं तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आपके साथ कोई भी मेंटल टॉर्चर हुआ है, फिजिकल हरासमेंट हुआ है, कोई एब्यूसिव हुई है, या कोई भी ऐसी चीज जो आप किसी को नहीं बता सकते, बट वो चीज जब भी आप सपने में देखते हैं तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कांप जाते हैं। उसे लिखिए, उसे रिलीज कीजिए। आज प्रकृति ने आपको मौका दिया है उसको बाहर फेंकने का। बिंदास लिखिए, क्योंकि हम इस पेपर को लिख के फाड़ने वाले हैं। ये मत सोचिए कोई पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा। हम अभी इस पेपर को फाड़ेंगे। जब आपको लगे मैंने लिख दिया है तो उस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन सब निकाल दीजिए उस पे। लिखने के बाद उस पेपर को फाड़ दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए उसे आज, और अपने मन को खाली कर दीजिए। जो बात आप कहीं नहीं कह पाए, कहीं बता नहीं पाए,
लोगों ने मानी नहीं, लोगों ने सुनी नहीं, पर आप आज उस बात को रिलीज करेंगे। पेपर फाड़ने के बाद जब आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें तो उसे साइड रख दीजिए। जब आप मेडिटेशन करके उठेंगे तो आप उसे टॉयलेट में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू क्राई, क्राई। इफ यू वॉन्ट टू लाफ, लाफ। दिस इज द टाइम टू रिलीज। दिस इज द टाइम टू फ्लाई। जब हम कोई भी उड़ान भरते हैं तो उससे पहले हल्का होना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम हल्के हो रहे हैं अपने विचारों से। अब आप वो हैं जो आप पहले थे। आपकी वही ऊर्जा, आपकी वही एनर्जी। जोर से बोलेंगे, आई एम द बेस्ट। जोर से बोलेंगे, आई एम द बेस्ट। मन मन में भी बोलेंगे और जोर से भी बोलेंगे, आई एम द बेस्ट। अपने हार्ट पर हाथ रख के बोलेंगे, आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। अपने आप को हग करेंगे दोनों हाथों से, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। अब बोलेंगे, आई एम सुपर हैप्पी इन माई लाइफ। आई एम सुपर हैप्पी इन माई लाइफ। आई एम पॉजिटिव एंड काम। आई एम पॉजिटिव एंड काम। यही अफर्मेशंस अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और अगर आपको टाइम है तो आप 21 डेज के लिए सेम मेडिटेशन 21 टाइम्स लिख सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। I love myself. I'm super happy in my life. I am positive and I am calm. और मैं ये अफर्मेशंस आपको मैसेज भी कर दूंगी तो आप वहां से भी ले सकते हैं। अभी वापस अपनी आंखों को बंद करते हुए पूरा ध्यान अपने थर्ड आई चक्रा पर लगाएंगे। पूरा ध्यान थर्ड आई चक्रा पर लगाते हुए शरीर में क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, अपने आसपास एक सफेद रंग की लाइट का एक बड़ा सा बॉल देखेंगे। सफेद रंग की बड़ी सी बॉल, वो जो व्हाइट कलर की एक बड़ी सी बॉल है, वो आपके पीछे से आगे, आगे से पीछे, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूम रही है और आपके ऑरा को पॉजिटिव कर रही है, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ। बॉल से कल्पना करेंगे, उस बॉल जो है शरीर के एक एक कण,
एक-एक पार्ट को क्लीन कर रही है। आपके ऑरा को एनहेंस कर रही है। अब मेरे साथ 5 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। आंखों को बंद ही रखना है और जो हम ये ओम की चैंटिंग करेंगे इसमें आपको हमिंग ज्यादा करनी है। हम आ ओम, तो जो आ ओ हम बोलेंगे वो 25% होगा और बाकी की हमिंग हमारी 75% होगी। तो मेरे साथ ओम की चैंटिंग करेंगे। हेलो, ओम की चैंटिंग करते जाएंगे। फाइव टाइम्स ओम की चैंटिंग करने के बाद अपना पूरा ध्यान इस म्यूजिक पर लगाएंगे। शरीर में होने वाली संवेदनाओं को देखेंगे। Thank you.
शरीर के अंदर होने वाली सारी संवेदनाओं को ऑब्जर्व करते हुए, शांति का अनुभव करते हुए, अपने हाथों को रब करके, आंखों पर लगाएंगे। और पॉजिटिविटी के साथ अपनी आंखों को ओपन कर लेंगे। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा, आज हमने 1 वीक कंप्लीट किया है अपने मेडिटेशन के सेशन को। एनी चेंजेस लाइफ में? कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चेंज हुआ है, पीस आई है, एनीथिंग जो आपने ऑब्जर्व करी हो? मेघना बहुत हल्का मैम, स्नेहा वेरी लाइट एंड एनर्जेटिक, वेरी फोकस्ड एंड पॉजिटिव, वेरी गुड। ग्रेटिट्यूड रेणु जी। फीलिंग वेरी गुड मेघा जी। कितने स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली, जो मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ उसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं? ओके 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 गुड। तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि मेडिटेशन से लाइफ के अंदर चेंजेस आते हैं? शौरवी जी वेरी गुड फीलिंग, फीलिंग वेरी गुड। यस मैम, कम बोलती हूँ, किसी के मुंह नहीं लगती, नेगेटिविटी नेगेटिविटी से दूर रहती हूँ। मतलब कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं तो वहां से निकल जाती हूँ। वेरी गुड जसमिंदर जी। यस 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 डेफिनेटली यस मैम यस। चलो गुड। ये आपका डेडिकेशन भी है जो दिखाता है कि आप 4 बजे उठ के यहाँ पर 4:15 तक आ जाते हैं, कि आप सच में अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो पॉजिटिविटी और जो एक मैजिक है ना, वो आपको भी मिले, और डेफिनेटली मिलेगा ही। वेरी पीसफुल मैम, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। व्हाइट कलर की लाइट आई थी, वेरी गुड कुमुद जी, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव यू नो साइन। जहां पे भी आपको हेल्थ में कोई कंसर्न होगा ना, तो व्हाइट लाइट उसको हील कर देगी। बहुत अच्छी बात है ये। चलिए ओवर करती हूँ। जय श्री राम। यस यस देर आर चेंजेस एंड मेनली जस्ट कॉन्शियसली थिंक एंड सी माय ऑरा क्लेंस। वेरी गुड। पेपर फाड़ दिया है उसको टॉयलेट में डिस्पोज कर दीजिए, टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए। हाँ जी, टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए।